नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। केंद्र के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ट्विटर कंपनी, बोली अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक नहीं लगा सकते। मंत्री बोले देश का कानून मानना ही पड़ेगा। अजमेर दरगाह का खादिम गिरफ्तार, नूपुर का सिर कलम करने पर देने का ऐलान किया था, वीडियो वायरल होने के 24 घंटे बाद अरेस्ट। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले सोशल मीडिया को जवाबदेह ठहराने की प्रक्रिया में भारत तेजी से चल रहा है काम। हरियाणा के युवा अग्निपथ से नाखुश, कहा 4 साल में हथियार संभालना भी नहीं सीख सकते। वीवो के 44 ठिकानों पर ईडी का छापा, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। अप्रैल में शाओमी की 5551 करोड़ की संपत्ति हुई थी जब्त। राजस्थान के राजसमंद में पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ हमला, एसपी बोले उदयपुर हत्याकांड से संबंध नहीं, कहा आरोपी को भड़काया गया। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज को ट्रांसफर की धमकी, एबीसी ऑफिस को फटकार लगाई, कहा दागिया के लिए काम करते हो या जनता के लिए। येदुरप्पा सिद्धरमैया की नजदीकी से परेशान, बीजेपी पार्टी से खफा है येदुरप्पा, कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर को कुलगाम में सेना का ऑपरेशन, मुठभेड़ में 2 आतंकियों ने किया सरेंडर। मानहानि मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की राहुल गांधी की याचिका, अदालत में पेश होना जरूरी। ममता बनर्जी की सुरक्षा में चूक के बाद नया नियम, ड्यूटी पर पुलिसकर्मी नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे फोन। कर्नाटक में वास्तु एक्सपर्ट की हत्या, हुबली के होटल में 2 लोगों ने पहले पैर छुए फिर ताबड़तोड़ चाकू मारकर जान दी। केरल के मंत्री ने संविधान पर दिया बयान, साजी चेरियन बोले ये 75 साल से जनता को लूट रहा, ट्रोल होने के बाद माफी मांगी। झारखंड में आईएएस ने आईआईटी की छात्रा से मांगा केस, खूंटी में नाइट पार्टी के दौरान की छेड़खानी, एसडीएम गिरफ्तार। असम में बाढ़ से भीषण तबाही, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्थिति का लिया जायजा, बाढ़ से अब तक 180 लोगों की जा चुकी है जान। संगम में स्नान के बाद दारू पार्टी, बाइक पर ही पैक बनाकर पीते रहे 2 शख्स, घाट पर बैठे पुरोहितों ने बनाया वीडियो। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में छात्रा ने लगाई फांसी, 2 दिन पहले प्रयागराज से लौटी थी मेरठ, कमरे में लटका मिला शव। मथुरा में चाइल्ड लाइन और पुलिस ने रुकवाया बाल विवाह, शराबी पिता जबरन करा रहा था नाबालिग बेटी की शादी। कानपुर देहात में टॉप 10 आरोपियों में शामिल अपराधी गिरफ्तार, लूट की योजना बना रहा था, दर्ज है 23 मुकदमे। पर्यावरणविद ज्ञानेंद्र रावत को मिलेगा
अनुपम मिश्र स्मृति पुरस्कार 9 जुलाई को दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में होगा समारोह। फतेहपुर में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म, जामुन की लालच देकर घर की छत पर ले गया, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुलंदशहर के छात्र को जापान में 42 लाख का पैकेज, 4 चल फिर ना पाने वाली मां ने सिलाई कर बनाया IIT। सपा MLA इरफान सोलंकी के भाई की तबीयत बिगड़ी, नींद की गोलियां खाने पर अस्पताल में भर्ती, पत्नी ने दर्ज कराई थी FIR। अमेठी के CHC में रात में नहीं मिलते डॉक्टर, वापस लौट जाते हैं मरीज, गंदगी और बदबू से मरीज परेशान। गोरखपुर में युवक की गला दबाकर हत्या, रात में ही घर से निकला था हरिओम, 1 साल पहले हुई थी शादी। गाजियाबाद के सैदपुर में 30 फीट गहरी खाई में गिरी बस, 12 से ज्यादा यात्री घायल, बचाव कार्य जारी। मेरठ में आर्मी इलाके में मिली महिला की लाश, गर्दन काटकर हत्या करने की आशंका, पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। ललितपुर में 2 शातिर चोर गिरफ्तार, विवाह घर पहुंचकर करते थे मेहमान नवाजी, मौका पाते ही जेवर और पैसे लेकर हो जाते थे फरार। कन्नौज में दबंगों का कहर, 9 साल के बेटे को पीटा, मां से मारपीट कर की अश्लील हरकत। बांदा DM ऑफिस में राशन कार्ड बनवाने की लगाई गुहार, कहा महीनों से चक्कर लगा रही हूं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अखिलेश के बयान पर मंत्री नरेंद्र कश्यप का पलटवार, बोले अखिलेश के आरोप बेबुनियाद, पॉलिसी के आधार पर होता है ट्रांसफर। पत्नी ने नहीं परोसा मीट तो मार दी गोली, पीड़िता बोली पति शराब पीकर आया था, खाने को लेकर हुआ था झगड़ा। शामली में सरेआम चोरी की घटना, शातिर चोर ने सामान लेने आए व्यापारी की जेब से उड़ाए 17,000 रुपए, हंगामे पर हुआ खुलासा। रामपुर में किशोरी से गैंगरेप, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया, बियर पिलाने के बाद 4 लोगों के साथ मिलकर दरिंदगी की। आतंकी हमले की बरसी पर सुरक्षा सख्त, रामलला दर्शन मार्ग सहित पूरे अयोध्या में बिना चेकिंग वाहनों का प्रवेश वर्जित रहा। कासगंज में 35 लाख की अवैध शराब की गई नष्ट, JCB से गड्ढा खोद कर डाली गई 12,000 लीटर शराब, SP के निर्देश पर हुई कार्रवाई। फंदे से लटके मिले मां बाप बेटी के शव, आगरा में 6 साल का बेटा पड़ोसियों से बोला कमरे में सब लटके हैं, डर लग रहा है। मेरठ में दिन निकलते ही पुलिस बदमाशों की मुठभेड़, एनकाउंटर में 3 बदमाश घायल, 13 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीएम मोदी की सिक्योरिटी को लेकर हाई अलर्ट, आंध्र प्रदेश में हेलीकॉप्टर के समीप उड़ाए गए थे गुब्बारे। सड़क हादसे में 3 की मौत, 1 घायल, तेज रफ्तार कार गिरी खाई में, मरने वाले सभी सिद्धार्थ नगर के ही रहने वाले। यूपी में
लिए जबरिया रिटायर होंगे दागी अफसर कर्मचारी, सभी विभागों में होगी स्क्रीनिंग, 50 साल पूरा कर चुके अफसर निशाने पर। सीतापुर में 76 ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक पर किया हंगामा, बीडीओ पर आरोप लगाते हुए सौंपा ज्ञापन, मनरेगा के तहत कार्यों का नहीं मिला पैसा। संजय निषाद की फिसली जुबान, अपने ही समाज के लोगों को बताया गवार, कहा इन्हें हम समझाएंगे। देवरिया में मनी एक्सचेंज शॉप से दिन दहाड़े लूट, तीन बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर कर्मचारी को रस्सी से बांधा, 1 लाख लूट कर हुए फरार। लखनऊ में डायरिया से 2 लोगों की मौत, पार्षद ने कहा हर दिन आ रहा गंदा पानी, 3 दिन पहले हुई थी बच्ची की मौत। विजिलेंस ने किए 100 सवाल, पूर्व आईएएस अधिकारी रामविलास यादव ने नहीं दिया 1 का भी जवाब, जांच में हुआ बड़ा खुलासा। उत्तराखंड में पर्यटन को लगेंगे पंख, सीएम धामी बोले टूरिज्म प्रोजेक्टों में तेजी लाने को बनेगी राज्य स्तरीय कमेटी। उत्तराखंड के सैंबूवाला में बनी कृत्रिम झील, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे धसने का खतरा बढ़ा, सुरक्षा दीवार धसी। स्टाइल मारना पड़ा भारी, बाइक पर तमंचा रखकर दौड़ा रहा था युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आदेशों पर डीएम के फर्जी हस्ताक्षर, नशे में धुत कर्मचारी की हरकत से मची हलचल, पत्रों की छानबीन के लिए जांच शुरू। हरिद्वार में सामूहिक दुष्कर्म, आम भरवाने के बहाने महिला को बाग में ले गए फिर लूट की। उदयपुर की घटना पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, भाजपा आतंक का माहौल बनाकर मतों का ध्रुवीकरण कर रही। उत्तराखंड के 5 जिलों में आज भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड के 6 जिलों में मिले 32 कोरोना के नए संक्रमित, रिकवरी दर 95.86 और संक्रमण दर 2.51 प्रति दर्ज करी। उत्तराखंड में आपसी मनमुटाव के चलते दंपत्ति की लड़ाई, घर से निकलकर पहुंची पंचायत, नहीं हुआ सुलहा तो पति ने दे दिया 3 तलाक। केदारनाथ धाम के सामने आया नया विवाद, श्रद्धालुओं ने गर्भगृह का वीडियो किया वायरल, बीकेटीसी ने जांच बढ़ाई। केदारनाथ में 2 महीने की यात्रा में 107 तीर्थ यात्रियों की गई जान, हार्ट अटैक बन रही मौत की वजह। बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर लौट रहे यात्रियों की कार खाई में गिरने से 1 तीर्थ यात्री की मौत, 3 घायल। बिरला स्कूल से हटाए गए कर्मचारियों के आंदोलन को जनप्रतिनिधियों का भी समर्थन, हटाए कर्मचारियों का 8 दिन से धरना प्रदर्शन जारी। काशीपुर में प्रतिबंधित दवाओं के साथ पकड़ा गया आरोपी, 9072 नशीली गोलियां बरामद। फ्रांस में फिर चलेगी धरती की महामशीन लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर से गार्ड पार्टिकल की खोज में जुटे वैज्ञानिक।
रूस के करीबी उज्बेकिस्तान में सबसे बड़ा प्रदर्शन, जमकर हिंसा, 18 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। पाकिस्तान में तेज बारिश से 3 बच्चों समेत 6 की मौत। बलूचिस्तान में अचानक आई बाढ़ से कई लोग लापता। नाटो देशों ने स्वीडन फिनलैंड को सदस्य बनाने संबंधी प्रोटोकॉल पर किए हस्ताक्षर, रूस को अलग थलग करने की कोशिश तेज। इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना को दी धमकी, सत्ता पलटने की साजिश का खेल खोल दूंगा राज। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद का इस्तीफा, बोरिस जॉनसन के नेतृत्व पर उठाए सवाल। रूसी राजदूत अलीपोव का बड़ा बयान, कहा मॉस्को के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस व्यापार जारी रहेगा। अमेरिका में लगातार दूसरे दिन फायरिंग, इंडियाना में पार्टी में हुई शूटिंग में 3 की मौत, 7 घायल। जिनपिंग की तानाशाही से चाइनीज अवाम ट्रस्ट, 10 साल में 7 लाख से ज्यादा लोगों ने मांगी विदेशी शरण, कानून के नाम पर दमन हो रहा। श्रीलंका के पीएम को अच्छे दिनों की उम्मीद, विक्रम सिंघे बोले 18 महीने में इकोनॉमी ठीक होगी, भारत ने मुश्किल वक्त में बहुत मदद की। घरेलू सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े, दिल्ली में 14 किलो वाले सिलेंडर के 1053 रुपए देने होंगे, 48 दिनों में दूसरी बार बढ़े दाम। सरसों तेल समेत एडिबल ऑयल की कीमतों में होगी कमी, निर्माता कंपनी के साथ बैठक करेगी सरकार। सेवा क्षेत्र की गतिविधियां 11 साल के शीर्ष पर, जून में पीएमआई बढ़कर 59.2 पर पहुंची। अस्पताल के कमरों पर जीएसटी लगाने पर एफआईसीसीआई ने उठाए सवाल, वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, सब्सिडी क्लेम की बकाया राशि चाहिए तो जरूरी डेटा उपलब्ध कराया राज्य। IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों के लिए तय किया 5 साल का टारगेट, स्टेट लेवल कमेटी की भी प्रस्ताव। TDS लागू होने के बाद क्रिप्टो की ट्रेडिंग वॉल्यूम को लगा झटका, क्रिप्टो एक्सचेंज की ट्रेडिंग वॉल्यूम में भारी गिरावट। बिटकॉइन माइनिंग कंपनी कोर साइंटिफिक ने बेची आधे से ज्यादा बिटकॉइन, होल्डिंग कंपनी की होल्डिंग्स में 75% की कमी। ट्रीमा फाइनेंस बनी हैकर्स का शिकार, 88 लाख डॉलर की क्रिप्टो करेंसी का नुकसान। फिर बढ़ सकता है रेपो रेट, 75 बेसिक पॉइंट्स की हो सकती है बढ़ोतरी। मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट, पीवी सिंधु का चीनी खिलाड़ी बिंग चियाओ ने पहला मुकाबला हुआ। टीम इंडिया की हार पर बोले कोच द्रविड़, तीसरी और चौथी पारी में खिलाड़ियों के फेल होने का करेंगे रिव्यू।
शिफाली वर्मा के लैप शॉट ने जोस बटलर की दिलाई याद, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से श्रीलंकाई गेंदबाजों को कूटा। अब त्रिपुरा से खेलेंगे रिद्धिमान साहा, एंकर की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। शतक जड़ते ही जो रूट ने लिटिल फिंगर निकालकर मनाया जश्न, देखकर फैंस भी चौंके। इंग्लैंड के खिलाफ भारत की शर्मनाक हार, पांचवें टेस्ट में 7 विकेट से अंग्रेजों को दी मात, 350 से ज्यादा का टारगेट देकर पहली बार हारी टीम इंडिया। न्यूजीलैंड में पुरुष और महिला क्रिकेटरों को मिलेगा समान वेतन, वनडे के लिए दिए जाएंगे 2 लाख रुपए जबकि टेस्ट के लिए मिलेंगे 5 लाख। भारतीय दर्शकों के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार, 5वें टेस्ट के दौरान फैंस ने लगाया आरोप, इंग्लिश लोगों ने किए भद्दे कमेंट, ईसीबी ने जांच के आदेश दिए। बियरस्टो के 2 कैच छूटे, बैकफुट पर आया इंडिया। झारखंडी गाने पर अमेरिकी हॉकी खिलाड़ियों का डांस, भारतीय खिलाड़ियों के साथ नागपुरी गीत गुनगुनाए। आलिया की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर रो पड़े थे करण, बोले मैं आलिया के बच्चे को गोद में लेने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा हूं। देवी काली के पोस्टर पर महंत की फिल्म मेकर को धमकी, क्या चाहती हो सिर तन से जुदा हो। राजकुमार राव ने की नेपोटिज्म पर बात, बोले इंडस्ट्री में नेपोटिज्म हमेशा रहेगा लेकिन अब कई अपॉर्चुनिटी है। रामगोपाल वर्मा ने दी सफाई, द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ विवादित बयान पर बोले मुझे जो महसूस होता है मैं वो कहता हूं। मीका सिंह के स्वयंवर में फराह खान का खुलासा, बोली शादी के पहले साल भाग जाना चाहती थी। रक्षाबंधन का न्यू सॉन्ग आउट, फिल्म का नया गाना कंगन रूबी हुआ रिलीज, अक्षय कुमार भूमि पेडनेकर की दिखी दमदार केमिस्ट्री। डॉक्यूमेंट्री काली पोस्टर विवाद, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा बोली मेरे लिए मां काली मांस खाने और शराब पीने वाली देवी, पार्टी ने किया किनारा। जनहित में जारी के मेकर्स पर स्क्रिप्ट चुराने का आरोप, राइटर ने दर्ज कराई शिकायत, फिल्म के डायरेक्टर राज शांडिल्य ने आरोपों को किया खारिज। नवाजुद्दीन की पत्नी पर धोखाधड़ी का आरोप, होली काऊ की क्रिएटिव प्रोड्यूसर का दावा, आलिया सिद्दीकी ने उनके 33 लाख रुपए नहीं दिए। दीपिका ने बताई रणबीर के कोंकणी सीखने की वजह, बोली मैं हमारे बच्चों को इसके खिलाफ ना भड़का सकूं इसलिए ये भाषा सीख रहे हैं। शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।